Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV, Government College, Bhilwara. हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम लोग पढ़ रहे थे और होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन तक का हमने पहले पढ़ा. उसके बाद में आफ्टर नाइट्रोजन जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उनमें किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर प्रभावित होता है एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने से या फिर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से. ठीक है, और ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे विषम नाभिकीय परमाणु. विषम नाभिकीय जो परमाणु हैं उनसे बने हुए मॉलिक्यूल्स के बारे में कि उनके लिए जो आणविक कक्षक बनाए जाते हैं या उनके ऊर्जा स्तर किस तरह बिहेव करते हैं. तो पहले तो ये हेटरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं. तो जैसे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल एक ही सेम परमाणु दो परमाणु से मिलकर बनते हैं, वैसे ही हेटरो एटम दो अलग अलग परमाणु से मिलकर बनते हैं. तो अगर दो अलग अलग परमाणु होंगे तो उन दोनों की विद्युत ऋणता भी अलग अलग होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग होगी. और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग होगी तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचे रखने की सामर्थ्य भी अलग अलग होगी. तो ये जो चीज है वो इसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है. इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो एनर्जी में आता है उसको उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो आज हम ये पढ़ेंगे. जस्ट ए मिनट. तो विषम नाभिकीय द्विपरमाणु जैसा मैंने बताया दो असमान परमाणुओं से मिलकर बने हो, दोस हु मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, है ना. तो वो विषम परमाणु कहलाते हैं, जैसे CO है, NO है ना, ये हम पढ़ेंगे आज, है ना. ये सारे विषम परमाणु होते हैं. तो इन अणुओं में हमने बताया कि नाभिकीय आवेश अलग अलग है क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है ना. प्रोटॉन ही डिफाइन करता है वो कौन सा एलिमेंट है कौन सा परमाणु है वो. तो अब क्योंकि नाभिकीय आवेश अलग है तो जो ये बंद बनाएंगे उसके बाद जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर इनका प्रभाव भी अलग अलग होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो क्या होता है, एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग. तो जो बॉन्डिंग आणविक कक्षक है उसमें जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा विद्युत ऋणी जो परमाणु है उसके नजदीक होते हैं. दोबारा रिपीट करता हूं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु है उसके पास रहेंगे, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो थोड़ा कम विद्युत ऋणी परमाणु है कंपैरेटिवली उसके पास रहेंगे, है ना. तो इसीलिए जो इनके ऊर्जा स्तर आरेख हैं वो एकदम सममित नहीं सिमेट्रिक नहीं होते. जैसे हमने पहले देखा कि हमने 1s यहां बनाया था हाइड्रोजन का और 1s बिल्कुल इक्वल इसी के, जैसे एनर्जी ऊपर हमने दिखाई ऐसे जाते हुए दोनों बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल पे थे. ठीक है, तो इन द केस ऑफ हेटरो एटम ऐसा नहीं होता है. जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है उसको थोड़ा ऊर्जा में नीचे दिखाया जाता है, उसको ऐसा दिखाया जाता है लोअर एनर्जी में, है ना. ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO. ठीक है, पीछे यहां से शुरू करते हैं. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हम जानते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2. ठीक है, तो ये क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिंपली 6. ऐसे ऑक्सीजन का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर है 8, है ना. तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, तो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे इसमें कितने हुए 2 to 4 to 6 6 or 8, ठीक है 14, है ना. तो ये 14 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं जिसमें से 4 तो अंदर हैं, है ना, कोर शेल में हो गए और बाकी ये बचे हुए ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है. 4 8 और 2 10 10 इसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है. तो ये हमारे पास मोटा मोटा एक आ गया है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे. और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे यहाँ पर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, 3 ये है. ठीक है, तो 4 तो यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए. तो हमें टोटल कितने मिलेंगे, 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ मिलेंगे. के शेल मैंने छोड़ दिया ना. तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, पहले हम इसका भर लेते हैं. तो 8 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें की कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बताए अपन ने,
टोटल 14 थे, 14 में से 4 गए, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं ना, तो ये मोटा मोटा हो गया 10 तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जिनको भरा जाना है, और 8 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आणविक कक्षक, 10 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें इस तरह इसका आणविक ऊर्जा आरेख बनाया जाता है, जिसमें इस साइड सिंपली वैसे ही जैसे पहले देखा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कार्बन हो गया हमारा, ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मतलब 6 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन मतलब 8 एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखिए, इलेक्ट्रॉन 1s2 तो नीचे आ ही गया है, 2s2 है, 2p2, यहां पर 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है ये हम जानते हैं, तो ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल है वो थोड़ा लोअर एनर्जी देख रहे हो, एनर्जी थोड़ी इसकी कम है, ऊर्जा कम है, किससे, ऑक्सीजन से, सॉरी कार्बन से, ऑक्सीजन तो खुद ही है, कार्बन से थोड़ी एनर्जी इसकी कम है, तो इसको लोअरिंग करके दिखाते हैं ना। तो अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2s और 2p, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि s और p के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, वो फॉरबिडन नहीं है, है ना, अगर उसमें एनर्जी कैप कम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में यही है कि यहाँ पर जो s और p ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी है उसमें अंतर बहुत कम होता है इस केस में, कार्बन के केस में, तो वो क्योंकि अंतर कम है इसलिए उस इंट्रैक्शन से क्या होगा कि जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इतना बढ़ जाती है कि ये पाई 2px पाई 2py से भी ज्यादा हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला, तो ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से, जब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी गई, ठीक है, वो क्या आती हैं, है ना, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा गया, इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई, तो वो फेवरेबल जो कंडीशन, वो जो जो इसकी प्रैक्टिकल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन निकल के आती हैं उसको हम समझाएंगे, तो वो जिस मेथड से या जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया जा सकता है वो यही डायग्राम है, है ना। वो किस तरह, देखिए इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एनर्जी हमें पता है 2s2p के बीच में कितना अंतर है, वो एनर्जी क्या बहुत कम है, तो इतना ज्यादा हो जाता है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी, वो पाई 2px पाई 2py से भी ज्यादा चली जाती है। तो इस केस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, तो 2 यहां पर दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो यहां पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है पहली बार। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा गया तो उसकी जो प्रकृति थी वो इस ऊर्जा स्तर आरेख के अनुसार ही थी, कैसी, प्रति चुंबकीय, चुंबकीय प्रवृत्ति थी प्रति चुंबकीय। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये बॉन्डिंग को जोड़िए उसमें से एंटी बॉन्डिंग घटाइए, ठीक है, तो बॉन्डिंग कौन कौन से हैं, 8 - 2/2, ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे आ रहे हैं इसके, इनको अगर इसको भी माने आप तो 2 इसके थे ना, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया हमारे पास, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है 2 to 4, 4 and 2, 6, 6 माइनस ये 2s एंटी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग गलत साइन लगाया हुआ है, ठीक, 8 तो बॉन्डिंग हो गया हमारे पास और 2 एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो ये हो जाएगा 6/2, दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आता है 3, है ना, तो 8 तो बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग है, तो इसीलिए CO जो होता है बहुत ही स्थाई गैस होती है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन K शेल हो गया, सिग्मा 2s बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग हो गया, देखिएगा, है ना, देन पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो ये जो सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहां आया करता था उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो कहां चले गया, ऊपर चले गया इन सबसे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है इसका, वही 2s2p में बता चुका हूँ, 2s2p के मध्य ऊर्जा का इतना कम है कि जिससे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग कक्षक पाई 2px बॉन्डिंग पाई 2py बॉन्डिंग से भी ऊपर हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है, स्थायित्व है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि कोई भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं दे रहा है,
तो प्रतिचुंबकत्व है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर 3 पाया जा रहा है, बहुत स्टेबल है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग की एनर्जी यहाँ पोएट पेयर स्पाइट पेयर से ज्यादा होती है और उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। नाउ इसी का एग्जांपल आगे अगर देखें तो CO प्लस, CO प्लस, तो CO प्लस आयन में क्या हो रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो CO प्लस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम हुआ है तो वो कहां से जाएगा, एंटीबॉन्डिंग से जाएगा, जो सबसे ऊपर था वो था सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग, है ना, अगर याद हो आपको। तो ये था, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो ये बचा एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो ये हो गया 8 माइनस, क्योंकि पहले यहाँ पर दो थे हमारे पास एंटीबॉन्डिंग में, अब रह गया 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3.5। तो CO प्लस में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, और कहां से जा रहा है, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाएगा, और साथ में ये अनुचुंबकीय भी होगा। तो जब ये देखा गया कि CO में से एक इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें जो हैं जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जब इसका फेवर करती है कि स्ट्रक्चर का यही है, क्योंकि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है CO में से और CO प्लस बनता है, तो वो देखा गया ये जो कंपाउंड बना, ये नेचर जो होता है इसका, वो होता है अनुचुंबकीय, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो CO से भी ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गया है इसमें वो इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग से गया है, और एंटीबॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये है कि एंटीबॉन्डिंग सबसे ऊपर, सबसे एनर्जी एंटीबॉन्डिंग की सबसे ज्यादा होगी, और वो पॉसिबिलिटी तभी है जबकि सिग्मा 2s जो होता है उसकी एनर्जी इन सबसे ज्यादा हो जाए। अगर सिग्मा 2s यहां नीचे होता तो इलेक्ट्रॉन जाता बॉन्डिंग से, पाई 2ps, पाई 2pi बॉन्डिंग, या इससे जाता सिग्मा 2pz बॉन्डिंग से जाता, अगर ये ऊपर होता तो, ठीक है। तो अगर उनसे इलेक्ट्रॉन जाता उस केस में क्या होता, CO प्लस की स्टेबिलिटी CO से कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है, CO प्लस की स्टेबिलिटी CO से ज्यादा होती है और ये अनुचुंबकीय होता है। इसलिए ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि जो इसमें हाईएस्ट जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग। ओके, नाउ सेकंड मॉलिक्यूल दैट इज NO अणु, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन हम देखें, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी बार बार मैं बता चुका हूँ, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन ऊपर देखा ही हमने, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो ये तो हो गए अंदर के इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कितने हो गए, 3 to 5 + 4 to 6, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए फिलिंग के लिए, ठीक है। और कितने ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर यूं देखें तो इनको भी अगर काउंट करें तब तो 4 और 6 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना, 3a 6 और 7 8, तो ये और 9 10, तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे टोटल में अगर इनको भी जोड़े तो, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारे पास 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे, ठीक है। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इनको हमने निकाल दिया तो 11 बच गए। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऊर्जा स्तर अगर देखें तो इस तरह होगा, ये हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन का लें कि ऑक्सीजन का लें, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो NO सिंपली वही नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको थोड़ा लोअर लिया है नाइट्रोजन से, 1s को यहाँ दिख रहा है, तो 1s तो बन गया, उसके बाद में ये तो K शेल हो गया, तो ये तो बॉन्डिंग में काम आ ही नहीं रहा है, इसके बाद में 2s दोनों हो गया एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बन गया, देन पाई 2px, पाई 2py, इसकी एनर्जी कम है नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग जो होता है ना, और ये सिग्मा 2pz हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे, ये ऑक्सीजन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इसके पास है 7 और 4 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए थे, उनको हम भरेंगे तो 2 2 4 और 4 8 9 10 और 1 11। तो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसकी सारी क्वालिटीज चेंज कर देगा, ये क्या बता रहा है, ये अनुचुंबकीय है जो कि ये होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली गॉस जो तुला थी, गॉस जो बैलेंस था उसमें देखा, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर पाया गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो बॉन्ड ऑर्डर देखें तो क्या होगा, ये सब बॉन्डिंग है, एक्चुअली बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है ना, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। तो ये कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए बॉन्डिंग में, 6 तो ये हो गए,
दो ये हो गए, तो आठ तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास माइनस, एंटीबॉन्डिंग में दो ये हैं और एक ये है ना, तीन ही है, ये हो गया एट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव डिवाइड बाई टू, दैट इज इक्वल टू 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया 2.5। देखें ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन और पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, वो x इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अनुचुंबकीय बना रहा है, ये एनोड हो गया। नेक्स्ट है इसी में ही, अगर एनो प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटली देखो किस तरह प्रूव करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कहां से जाएगा, वो जाएगा एंटी बॉन्डिंग से, क्योंकि ऊपर वाला क्या है एंटी बॉन्डिंग, ये वाला है ना, तो एंटी बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सिस्टम होगा स्टेबलाइज, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना चाहिए, साथ ही क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन चले गया उसके बाद में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर, तो एनओ प्लस क्या है डायमैग्नेटिक नेचर है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। इसका बंद क्रम देखें, बंद क्रम इसका बढ़ जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया है एंटी बॉन्डिंग से, कौन सा एंटी बॉन्डिंग था, सबसे ऊपर वाला जो पाई 2p एक्स और वाई कोई भी एंटी बॉन्डिंग मान लो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ये चले गया है, ठीक है, तो एनओ का बंद क्रम एनओ प्लस से कम होता है या एनओ प्लस का बंद क्रम एनओ से ज्यादा होता है, एनओ की तुलना में एनओ प्लस स्थायी होता है, डायमैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है, तो ये हम इससे समझ सकते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी पढ़ ली है जिसमें हम जान चुके हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल या आणविक कक्षक मिलकर जितने आणविक कक्षक मिलते हैं उतने ही जितने परमाणविक कक्षक मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनाते हैं, जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा उतने स्ट्रांग आणविक कक्षक बनते हैं, अतिव्यापन के लिए उनका समान ऊर्जा का होना जरूरी होता है, अतिव्यापन के बाद एटॉमिक जो ऑर्बिटल है वो अपनी पहचान खो देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नाभिक की जगह संपूर्ण जितने भी नाभिक मिलकर उस अणु को बना रहे हैं उन सबके प्रभाव में रहता है ना, तो ये सब है। तो अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी और जो एमओटी पढ़ी तो उसको मैंने एक टेबलेट फॉर्म में रखा है, तो एक अंतर हम देख लेते हैं मोटा मोटा क्या अंतर दोनों में होता है, क्योंकि दोनों किसी भी थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं किया गया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कई सवालों का जवाब देती है, कुछ सवालों में अटक जाती है ऑब्वियस है, और एमओटी तो अद्यतन है ही, सबसे आधुनिक है ना। तो सबसे पहला तो यह कि इस जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दिस इज एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इस सिद्धांत में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके तरंग फलन के संयोग से कक्षक बनते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जबकि एमओटी के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसमें परमाणु विधि द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, परमाणु कक्षक मिलते हैं और आणविक कक्षक मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो चाहे हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो चाहे खाली हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब वीबीटी की बात करें तो वहां पर जो परमाणु कक्षक बनते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं, जबकि जो आणविक कक्षक होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं या बहुकेंद्रीय होते हैं, कई नाभिकों के संपर्क में वो इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार रिपीट किया है, बंद बनाने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग परमाणु अपनी पहचान खो देते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जबकि एमओटी के अंदर परमाणु के संयोग के पश्चात परमाणु कक्षकों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, परमाणु अपनी पहचान कक्षक जो होते हैं अपनी पहचान खो देते हैं और नए कक्षक जो हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं आणविक कक्षक, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो कमियां थी सबसे बड़ी वो यही थी कि वो ऑक्सीजन के और बोरोन के अणुचुंबकत्व को नहीं समझा पाया, तो उस अणुचुंबकत्व को हम इजीली एमओटी के द्वारा समझा पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो निकल के आते हैं, एक 2px और एक 2py, ठीक है, इन दोनों ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ पाई 2px और पाई 2py जो ऑर्बिटल है उनके अंदर, ठीक है। फिफ्थ नंबर, जो नाइट्रोजन और CO मॉलिक्यूल्स हैं ये अनएक्सपेक्टेडली स्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, तो इनके स्थायित्व को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम नहीं समझा पाए, लेकिन यहां ये समझ में आता है क्योंकि यहां इन्होंने एक टर्म दी है वो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए ज्यादा हो उतना ही स्थायी होगा, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है तीन, तो जितना इतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब वो स्टेबल है। नेक्स्ट, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये Hg2+, H2+,
एनो ऐसे मॉलिक्यूल को समझा ही नहीं पाया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, इन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होने चाहिए, वैसा नहीं है, ये आयंस है, इनको नहीं समझा पाया, जबकि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि NO, H2+, HE2+, इन सबको हम समझ पाए। HE2 का तो अस्तित्व नहीं होता है, HE2+ का अस्तित्व होता है, इसको भी हम समझ पाए MOT के द्वारा। ओके, तो इस सिद्धांत में सहसंयोजक बंध में जो आयनिक लक्षण है दोनों परमाणुओं की विद्युत दृढ़ता के अंतर पर निर्भर करता है, जबकि जब हम बात करें MOT की तो यहाँ पर जो अतिव्यापन कर रहे हैं परमाणु कक्षक उनकी ऊर्जा में जितना अंतर है उस पर निर्भर करेगा कितने आयनिक लक्षण है। ठीक है, यहाँ पर अनुनाद को पढ़ा जाता है, अनुनाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अनुनाद समझा पाता है इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर से कैसे हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर पाए, जबकि जो MOT है वहां पर अनुनाद की जरूरत नहीं, कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही डीलोकलाइज वहां बता दिया गया है, विस्थानीकृत वैसे ही समझा दिया गया है। ओके, लास्ट, यह सिद्धांत आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है, जबकि यहां पर हम आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल है एक अणु के अंदर। ये तो थी डिफरेंशिएशन, कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT के अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैंने बताया था पहले भी कि जो MOT है वो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसी का अद्यतन रूप है, तो कई सारी जो समानताएं भी इसके अंदर हैं, कई सारी चीजें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही ली गई हैं, तो वो क्या है, सबसे पहली बात, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड की व्याख्या करते हैं। दोनों ही सिद्धांत कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है, कि जैसे 2pz ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हमने कह दिया है, तो अगर बाकी जो दो बचे हुए पी ऑर्बिटल हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, ये होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ भी है, ये वहां भी थी जब हमने संकरण पढ़ा था। ओके, दोनों सिद्धांत मानते हैं कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षकों के मध्य ही अतिव्यापन होता है। दोनों सिद्धांत मानते हैं कि अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा। सम्मिति जरूरी होती है अतिव्यापन के लिए, ऐसा नहीं है कि ये एस कक्षक है और ये सपोज PY या PX है, इस तरह आके ये ओवरलैपिंग कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने ये माना है कि जो जेड कक्षक है वो एक्सिस पे होते हैं, वो इस तरह वो ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो सम्मिति इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। और बंध निर्माण के बाद बंधित नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, ऑब्वियस है, बिल्कुल है, दोनों के बीच में साझा होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये सारी सिमिलरिटीज है। तो आज हम इस पोजिशन में है कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ ली है, संकरण के बारे में हम जानते हैं, और इस जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने समय समय बताया है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है उसमें अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन विभाग का आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आप इजीली सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।